राजीव जायसवाल एक चिंतक हैं, विचारक हैं, लेखक तो हैं ही, सहृदय व्यक्ति हैं, शानदार वक्ता हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं प्रोफेशनली, आप सभी जानते हैं, और सबसे ऊपर सर्वोपरि राजीव जायसवाल एक बेहद उम्दा किस्म के इंसान है, इस बात के लिए आप लोग देखा पाएंगे। बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनकी ही दो रचनाएं गा रही हूँ, रे मन जाग रे जाग रे जाग, भोर भई अबहू तक सोया, तेरे सोए रहेंगे भाग। एक कवि के लिए ये बहुत सुखद अनुभव होता है यदि उसकी रचना को कोई गाए। रे मन जाग रे जाग रे जाग, रे मन जाग रे जाग रे जाग, भूल भई अबहू तक सोया, भूल भई अबहू तक सोया, तेरे सोए रहेंगे भाग, जाग रे जाग रे इंतजार कर रहे थे कि राजीव जी अपनी पुस्तक पूरी करेंगे और हम तक पहुंचेगी, तो आज इतने सारे प्रबुद्ध लोगों द्वारा इस पुस्तक का विमोचन हुआ और आप तक पहुंचेगी। राजीव जी बधाई के पात्र हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं, और कृपा है सभी हमारे विशिष्ट अतिथि की, मुख्य अतिथि की और सम्मानित अतिथि की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार छाने वर्षीय अवस्था में कर सकने की हिम्मत जिस शख्सियत में है, और 4 साल ले गया। प्रणय काम अतुलित आनंद, जीवन है सुख दुख का छंद, जीवन के इस अमर ग्रंथ का अंतिम प्रश्न न हुए, ना कोई सदा सदा को सोए, ना कोई सदा सदा को सोए। सोना सबने है लेकिन हर व्यक्ति सोचता है जो मेरा अपना है, जो मेरा परिवार का है, वो सदा सदा को मुझसे दूर ना हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि जाना सबको है।
और यहाँ पे तो पूरा का पूरा मन ही कबीर हो गया है, और मैं समझती हूँ कि जब मन कबीर हो जाता है तो वह इंसान सबसे ज्यादा अमीर हो जाता है। मैं दो चीजें कहूंगा, मैंने राजीव जी की किताबें देखी है, पढ़ी है, एंड आई हैव फाउंड टू चेंजेस। वो ये है कि राजीव जी अब एक नए रास्ते चल पड़े हैं। जो राजू भाई ने लिखा है मन राजू कबीर हो गया, आप देखेंगे सारा खेल मन का ही होता है, चाहे हमारे संध्या जीवन में हो या तो गृह जीवन में हो, पढ़ाई में हो या बिजनेस में हो या किसी अच्छे पद का हो। जब तक आप सभी कार्य मन से नहीं करेंगे तो आपका जो भी कर रहे हैं सब अधूरा रह जाता है। मन राजीव कबीर हो गया। कबीर एक ऐसा शख्स था जिसने कभी शास्त्रों का ज्ञान नहीं लिया, कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ली, लेकिन आज के युग का सबसे बड़ा दार्शनिक, सबसे बड़ा ज्ञाता और समाज का सबसे बड़ा सुधारक जिसको हम जानते हैं वो कबीर है। जोशी जी, ये तीन पीढ़ियां हैं और देखिए आपके सामने इसकी शक्ति देखिए। हाँ जी, ये चित्र दुर्लभ है, ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। कि जब मन उस परमानंद परमेश्वर में लीन होता है तो उसे जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है तो छूट उठता है। वो आनंद दुनिया के किसी कोने में चले जाओ वो आनंद नहीं मिलता। जिसने उस आनंद को चखा है वही जानता है कि वो आनंद कहाँ है। शायद कभी मैंने भी चखा हो। प्रसन्नता का विषय है कि राजीव के मन में समाज की सेवा के साथ साथ अध्यात्म की भावना भी पैदा हुई। मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। कहें और अखिल भारतीय जायसवाल समाज के पैटर्न है अभी से बच्चों को उपनिषद के बारे में और उनके बारे में सबका ज्ञान है और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उनको कॉम्पिटिशन्स में देकर डिबेट भी करवाते हैं कि अगर आज के जमाने में कबीर होते तो वो आज क्या दोहा लिखते। और अब मंच पर आ चुकी है राजीव जी की प्रेरणा स्रोत श्रीमती वंदना जायसवाल, स्वागत करेंगे आपका। हाँ, यार